सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माँ ज्ञान भारती ग्रुप ऑफ एजुकेशन अंता में आपका ऑनलाइन क्लास के अंदर स्वागत है। हम पूर्ववर्ती वीडियो में जहाँ आपको औपनिवेशिक शासन का है ना आदिवासियों के प्रति जो भाव बता रहे थे, जो कार्य बता रहे थे, उसमें आपने समझ लिया, ठीक है। अब आज हम चैप्टर नंबर 5 जब जनता बगावत करती है एट क्लास का 1857 उसके बाद के भारत की स्थिति और उसकी परिस्थितियों के बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे। तो नीतियां और लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी जो औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जब भारत में आई तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के प्रति क्या नीतियाँ रही और लोग उससे किस प्रकार प्रभावित रहे, ये देखिए। आप पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उनके प्रभावों के बारे में पढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और नीतियों का जो इफेक्ट जनता के ऊपर आया उसके बारे में हमने सब कुछ देख लिया है ना। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। सभी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा औपनिवेशिक शासन काल के दौरान सब पर क्या पड़े, असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाही जनता के हित में नहीं थी उनकी क्या की गई, बगावत की गई जनता के द्वारा, ठीक है। उनका लोगों ने किस तरह विरोध किया, नवाबों की छिनती सत्ता, हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, नवाबों की छिनती सत्ता। अब किनके द्वारा सत्ता छीनी जा रही थी, नवाबों की, ठीक है। उसमें देखना है, इसमें देखना है आपको कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी, उनके सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए, मतलब राजाओं के दरबारों में क्या तैनात कर दिए, रेजिडेंट क्या कर दिए, तैनात कर दिए, ठीक है, संबंधित राज्य के अंदर। देखिए आज स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, जो स्थानीय जो शासक थे, राजा थे, उनकी स्वतंत्रताएं क्या होती जा रही थी, धीरे धीरे घटती जा रही थी, उनकी मनमर्जी से वो कोई भी फैसला नहीं ले पाते थे। कारण औपनिवेशिक शासन काल के दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई हुई थी, ठीक है, उसने सभी राजाओं के दरबार में, मतलब उस संबंधित राजाओं के राज्य में अपने प्रतिनिधि अर्थात रेजिडेंट तैनात कर दिए थे और राजाओं की मनमानी को रोका जा रहा था। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि उनकी स्वतंत्रताएं बिल्कुल छिन चुकी थी, ठीक है। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वो इलाके एक एक करके क्या क्या किए जा रहे थे, छीने जा रहे थे। उनके जो राजस्व वसूली के जो अधिकार थे, लाख भाग थी, वो धीरे धीरे खत्म किए जा रहे थे। मतलब कहने का मतलब उन राजाओं की जितने भी अधिकार थे जनता के प्रति, वो धीरे धीरे उनका खात्मा किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, मतलब बहुत सारे राजाओं ने क्या सोचा कि हम जो है कंपनी के साथ बातचीत भी करें, बातचीत से अगर सुलह हो जाती है तो हमारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी हमें लौटा भी सकती थी, ऐसा कुछ राजाओं का मानना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को, झांसी की रानी क्या चाहती थी कि उसके पति की मृत्यु के बाद, ठीक है, उसके द्वारा गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, कौन मान ले, ईस्ट इंडिया कंपनी औपनिवेशिक शासन काल के दौरान है ना। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यह सोचा कि मेरे पति के मृत्यु हो गई और अब मैंने जिस बच्चे को गोद लिया है उसको ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या मान ले, राजा मान ले। लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव का दत्तक पुत्र कौन था, नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया। पेशवा बाजीराव, ठीक है, पेशवा मराठा साम्राज्य का एक बहुत बड़ा पत्ता, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन, उसका क्या नाम था, नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया। उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, उनके पिता को मतलब पेशवा बाजीराव को, ठीक है, वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगी, ऐसा इनका मानना था। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को या इन प्रतिवेदनों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। शालीनता से कितने राजाओं ने उनके समक्ष आग्रह किया, विनम्र निवेदन किया कि ऐसा किया जाए,
भाई पेशवा बाजीराव द्वितीय ने क्या क्या सोचा, ये माना कि जो मेरा दत्तक पुत्र है नाना साहब, ठीक है, उसको भी मेरी तरह पेंशन दी जाए अंग्रेज सरकार से। लेकिन ऐसा नहीं माना। रानी लक्ष्मीबाई ने भी ये माना कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा जो पुत्र है, जो मैंने जिसको गोद लिया है, उसको ही ईस्ट इंडिया कंपनी राजा मान ली। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। उनका सभी का विनम्र जो निवेदन था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, वह सब ठुकरा दिया, ध्यान नहीं दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से एक थी। अवध की जो रियासत थी वो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली अंतिम रियासत थी। याद रखिएगा, अवध की जो रियासत थी, वो अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली अंतिम रियासत, हम यूं कह सकते हैं कि अंतिम रूप से इसी रियासत को उन्होंने जो है अपने कब्जे में लिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी गई। 1801, अब सहायक संधि का जन्मदाता कौन है, मैं आपको बताऊं कि लॉर्ड वेलेजली जो था, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जन्मदाता था ईस्ट इंडिया कंपनी में, और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया, लॉर्ड डलहौजी ने क्या ऐलान किया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जाता जा रहा है। लॉर्ड डलहौजी ने यह कहा उस रियासत के प्रति, किस इस रियासत का जो शासन सत्ता का जो कार्य है वो बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, इसलिए इस रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मिलाया जाना ही जरूरी है, ऐसा उसका मानना था। इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है, मतलब वहां के राजा के शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश जो शासन सत्ता है, मतलब कहने का मतलब जो प्रभुत्व है, वो हमारे लिए क्या है, वो बहुत जरूरी है। कंपनी ने मुगल के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या प्लानिंग की, जो मुगलों का शासन काल था उसको खत्म करने के लिए भी क्या किया, प्लान तैयार कर लिया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। कंपनी के द्वारा क्या किया गया, मुगलों के द्वारा जो सिक्कों पर उनके नाम और उनके चित्र उत्कीर्ण थे, इनके मुगल राजाओं के, वो सिक्कों से हटा दिए गए, ठीक है। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली की ओर कहीं और बसाया जाए। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉर्ड डलहौजी था, तो उसने क्या ऐलान किया 1849 में, 1849 में देखो आप, लॉर्ड डलहौजी ने क्या ऐलान किया, इसमें देखिए आप कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद लाल किले के अंदर जो निवास स्थान था लाल किला मुगल बादशाह का, बहादुर शाह जफर का, तो उसकी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह माना कि इनकी मृत्यु के बाद इनके परिवार को दिल्ली के आसपास कहीं भी बसा दिया जाए, मतलब लाल किले के अंदर ये निवास अब नहीं करेंगे, ठीक है। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब 1857 का क्रांतिकारी बिगुल चल रहा था हिंदुस्तान में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो आप याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। ये घोषणा किसने जारी की, जो 1856 में कौन था मुगल गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, उनके केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, केवल राजाओं को केवल सिर्फ और सिर्फ क्या दी जाएगी, राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये आदेश या ये फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से गवर्नर जनरल ने दिया, लॉर्ड कैनिंग ने। और क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए आप आगे, हमने 1857 मतलब जनता बगावत किस तरह कर रही थी अंग्रेज सरकार की, और अंग्रेज सरकार का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या
रूप था उस समय। बात के संदर्भ में जो आप देखिए, किसान और सिपाही क्या कर रहे थे, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। गांव में रहने वाले किसान और जमींदार, किसानों और जमींदारों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारी कर और लगान ला दिए थे। इनसे वो बहुत ज्यादा क्या थे, परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से क्या करते थे, ठीक है, क्या करते थे, अपने व्यवसाय को या अपनी कृषि को गति देने के लिए उनसे कुछ कर्जा उधार लेते थे। कर्ज नहीं लौटा पाते थे, बहुत ज्यादा ब्याज दरें थी महाजनों की। इस कारण उनकी पीढ़ियां, पुराने जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। उनकी जो पीढ़ियों की जो जमीनें थी पुराने पूर्वजों की, वो भी उनके हाथों से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों में क्या था उस समय, असंतोष था, मतलब अनसेटिस्फाइड थे वो उस समय। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण क्या थी, वो परेशान थी। किनके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कई एक नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए गए कितने ही नियम ऐसे थे जो उनकी धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक भावनाओं को क्या पहुंचाते थे, आघात पहुंचाते थे, ठेस पहुंचाते थे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति क्या हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, उनको ये लगता था उस समय भारतीय लोगों को कि समुद्र पार जाने से हमारा धर्म और हमारी जो जातिगत व्यवस्था है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। ठीक है, जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते कहाँ जाना पड़ा, बर्मा का आदेश मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या फरमान आया कि भारतीय सिपाहियों को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाहियों को लड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, बर्मा जाना पड़ेगा। तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था, मतलब जो भारतीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करते थे उनको जमीन के रास्ते से जाने से कोई वो नहीं था, लेकिन समुद्र के रास्ते से जाने से वो अपने आप को धर्म और जाति की नष्ट होने की जो है ऐसी मान्यता रखते थे कि अगर हम इस रास्ते से जाते हैं तो हमारा धर्म और जाति दोनों नष्ट हो जाएगा, हम जमीन के रास्ते से जाना चाहते हैं। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। किनको, सिपाहियों को, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। क्या कानून बनाना पड़ा, इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मानना था कि कंपनी के अधीन अगर वो सेना में कार्य करता है तो समुद्र पार भी उसको जाना पड़ेगा, कंपनी के आदेश की अवहेलना उसको बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, ठीक है, वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे। कहाँ छोड़कर आए थे, अपने परिवार को गाँव में। लिया जा किसानों का गुस्सा, ठीक है, किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में फैल गया, है ना। तो इस प्रकार किसानों और सिपाहियों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो आघात पहुंचा, उनका प्रतिकार किस प्रकार किया, सुधार कैसे हुआ, प्रतिक्रिया कैसी हुई, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।